राजकुमार भाई साहब जी जो बहुत ही अच्छे और बड़ा प्यार लेते हैं, यही आशीर्वाद है। आदरणीय मास्टर जी, सतपाल जी, जितने भी मान्य हैं, विनोद बाबू जी हमारे बड़े भाई साहब जिन्होंने इतना शिक्षा का मंदिर बनाया, कल यहाँ पर बच्चों को शिक्षा मिलेगी, हमारे बच्चे भी आएंगे यहाँ पर, दोनों हाथों पर कर लीजिए कहिए दरबार से चल के आई है क्या है? रात के 1:30 बजे जी। अच्छा जी, चलिए बहुत खुशी की बात है, एक बार सारा हाथ मिलकर लेकर कह लीजिए आदि
कोई नहीं जान सकता। मिलते हैं बेटा गणेश, थोड़ा सा मेरे करके मिलते हैं ये रातें जिंदगी में, कभी कभी होती है मां से बातें, कभी कभी ये रात आज का समय इनकी झोली में भगवती माने ये दीक्षा डाली है। कहिए सच्चे दरबार की ये प्रार्थना दिल की बेकार ना होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। आज ये जो गार्डन था, आज ये मंदिर बन गया, शिक्षा का मंदिर, यहाँ पांव रखने की जगह नहीं होगी एक दिन, ऐसा विश्वास है। दोनों हाथ ऊपर करिए बड़े भाव के साथ, सारे हाथ ऊपर करके और बड़ी श्रद्धा के साथ करिए। और बाबू जी एक बार आप आ जाओ, राजकुमार बाबू जी, विनोद भाई साहब जो अभी भी नए नए आए, बाबू जी वो भी आ जाओ, एक बार आ जाओ। मेरी इच्छा है लड़की सेम लड़की से और डबल में सैंपल लेंगे महाराज। आइए, बड़ी देर से भजन गा रहा हूं और मैं ऐसे भजन गाने में बड़ा खुश रहता हूं जो तार से तार जुड़ जाए। देखिए वहां कृपा हो रही है, एक बार आप जयकारा बोलिए। आप देर से आए, क्यों आए इतनी देर से? देखो फर्ज सारे निभाने होते हैं और जो आपके साथ शादी में गए थे वो कहां पर है? पूरे साल में मैं छोड़ के ना तो बुलाओ इनमें। अच्छा देखो, शादी उसमें कोई आनंद नहीं, डीजे पे नाचो उसकी कोई आनंद नहीं, जो दरबार में नाच रहे उसकी जय जयकार है। जगह आइए, बाबा श्याम का एक भजन है, वे अभी आ जाए सारे और जो हमारे अपने आते हैं तो इनका स्वागत हम करेंगे। अब इनका साथ कौन कौन देना चाहता है? इनका साथ आइए, कुछ धैर्य दर्शाओ और पता लगना चाहिए ये कहते हुए।